एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्माइली की दुनिया। एंड अब हम लोग नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं। मैंने और चेतन ने मिलकर सारा घर सेट कर दिया है एंड बहुत अच्छे से सेट किया है। एक्चुअली एक ही बिल्डिंग में घर होने की वजह से लेआउट तो पूरे घर का सेम ही है ऑब्वियसली, लेकिन हाँ हमने कुछ सेटिंग्स चेंज की हैं रूम्स में और ड्राइंग रूम में भी, तो हमने सेटिंग चेंज की है तो वो हम लोग आपको दिखाएंगे बाय द टाइम वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा मार्केट। क्यों जा रहे हैं ये बता दें? ये इसलिए भाई सर की परमिशन लेनी बहुत ज़रूरी होती है। हम लोग एक्चुअली जा रहे हैं मार्केट इसलिए क्योंकि हमारे कोई क्लाइंट है, उनकी पूजा करवानी है हमें। एट द सेम टाइम हमें अपने घर में भी पूजा करवानी थी क्योंकि हम नए घर में आए हैं, तो हमें उसकी भी पूजा करवानी है, तो कंबाइन पूजा हो जाएगी। तो कल हमारे घर में है नवग्रह की पूजा, नवग्रह शांति की पूजा, एट द सेम टाइम हवन, तो वो हम लोगों ने करवानी है कल। तो उसका पूजा का थोड़ा सामान लेने जा रहे हैं, फ्रूट्स वगैरह, तो हम लोग वो जा रहे हैं लेने। और उसके बाद जब मार्केट से वापस आएंगे तो मैं आप लोगों को अपने पूरे घर का वीडियो दिखाऊंगी जो मैंने और चेतन ने मिलके बड़े प्यार से दोबारा से सारी सेटिंग की है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। लेकिन इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज आपको फिर मेरे घर का नई सेटिंग्स देखने को मिलेंगी। एंड आप ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारा घर कैसा लग रहा है आपको। आप अगर आप लोगों को लगता है कुछ चेंजेस करने चाहिए तो भी बताना, अदरवाइज मैं और चेतन तो हमेशा उस अकॉर्डिंगली ही सेटिंग्स करते हैं जो हमें कंफर्टेबल लगता है। अदरवाइज आप लोग सजेस्ट करो तो शायद वो बेटर हो। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम क्यों करना है, मैं पहले ही कल कर चुकी हूँ आपको वेलकम। मैंने कल दोबारा वीडियो नहीं बनाया क्योंकि हम लेट हो गए थे और थक गए थे आते आते मार्केट से, तो कल मैं नहीं बना पाई क्योंकि हमें सुबह आज जल्दी उठना था, जैसे कि हमने बताया था कि आज सुबह पूजा है। तो कल तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बहुत बुरी हालत थी हमारी, ऐसे बैठे बैठे पसीने निकल रहे थे। और ये रहे पीछे मेरे गोलू, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आप सोच रहे होंगे पीछे सोफे पड़े हैं, तो हम लोगों ने क्या किया कि आज सुबह क्योंकि 9 बजे पूजा है तो मेरी मेड को बुला के हमने पूरे जो सोफे वगैरह वो भी मैंने इधर अपने बेडरूम में रखवा दिए क्योंकि वहाँ पे हवन होना है, पूजा होनी है, तो हमें वहाँ पे स्पेस क्रिएट करनी थी। तो अभी वो करवा लिया, झाड़ू पोछा हमने करवा वो करके चली गई है। अब बस मैं रेडी होंगी, नहाऊंगी, फिर थोड़ा सा और वहाँ पे करना है दरी वगैरह बिछानी जो भी पूजा के लिए होती है। एंड फिर पंडित जी आना, पूजा का टाइम तो उन्होंने 9 बजे कहा था मैं 9 बजे आऊँगा, पर मुझे लगता नहीं है वो 9 बजे आ पाएंगे बिकॉज आज सुबह से घमासान बारिश हो रही है। वैसे तो अभी भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, आई थिंक ड्रिजल तो हो रही है। मैं आपको अभी वेदर दिखाती हूँ। ये रहा आज का मौसम, बाहर निकलते हैं देखते हैं। बाहर नीचे पानी भर चुका है थोड़ा थोड़ा, और अभी तो हमारे जो मंदिर के पंडित जी हैं, एक्चुअली वो हमारे सोसाइटी के मंदिर है जो यहाँ ये सामने यहाँ पे आते हैं वो पंडित जी, तो अभी तक तो पंडित जी पहुँचे नहीं हैं। तो लेट्स सी कि कितने बजे तक वो आते हैं। वेदर बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल वेदर, सामने खेतों में भी पानी भर गया है, तो देखते हैं पंडित जी लेट आते हैं या ऑन टाइम होते हैं, लेकिन हम तो तैयार हो जाए। फ्रेंड्स मैंने नहा लिया, नहा के मैं रेडी हो गई हूँ, और मैंने अभी जो छोटा मोटा मेरे को जितना समझ थी क्योंकि मैं तो फिलहाल पता नहीं, चेतन का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं लाइफ में पहली बार अपने घर में पूजा करवा रही हूँ, तो मैंने को जो समझ था मैंने वो सब कुछ रख दिया। अभी देखते हैं, बाकी पंडित जी आके बताएंगे कि कुछ चेंजेस करने हैं क्योंकि मेरे को जितना समझ आया मैंने वैसे
वो दरियां बिछा दी, मैट्स बिछा दिए हैं। लेट्स सी आपको कैसा लग रहा है। हम लाइफ में पहली बारी, मतलब आपने तो काफी पूजा करवाई होंगी पर मैंने नहीं, मतलब हमारे अपने घर में शादी के बाद हम दोनों पहली बारी नहीं पूजा करवा रहे हाँ वो तो है। अभी एक तो एक्चुअली एक तरह का मौका भी मिल गया ना, क्योंकि देखो अपने जो जिनको प्रॉब्लम है, ग्रहों की प्रॉब्लम है, उनके लिए करवाना तो है ही, तो साथ साथ अपने लिए और दूसरे जो भी है जिनका भी है अपने क्लाइंट है तो उनका भी एक साथ ही हो जाता है ना पूरा। तो मैंने तो वैसे देखा हुआ है सारा कुछ, जब मैं साइड था तो ये सारा कुछ देखा हुआ है, और बाकी तो सामग्री दिखा दो सामग्री अपने। में अभी मैंने फ्रूट्स रखे थे जो पंडित जी ने कहा था, 5 तरह के फल है, मैंने ये प्लेट्स वगैरह, थालियाँ वगैरह और ये कलश वगैरह तैयार कर लिया है, अगरबत्ती वगैरह का स्टैंड तैयार कर लिया, नैपकिन एक रख दिया एक्स्ट्रा अगर हाथ साफ करने होंगे, बाकी जो दूध है वो दूध दही तो अभी फ्रिज में ही पड़ा है। पंचामृत हाँ वो तो फ्रिज में ही पड़ा है, अभी पंडित जी आएंगे तभी निकालूंगी, नहीं तो गर्मी है खराब हो जाएगा। और ये मैंने यहाँ से सोफे उठवा के अंदर रखवा दिए थे जैसे आपको बताया था, यहाँ मैंने ऐसे मैट्स बिछा दिए हैं, तो बाकी तो सारा सामान जो सामग्री है वो तो पंडित जी लेके आने वाले हैं, है ना, तो बाकी वो ही आके सेटअप करेंगे जो करेंगे, जो हम तो सिर्फ उनके भी वेट कर रहे हैं। जपा कुसुम संकासम कासे पयमानते तमोरे सर्व पापानं तम सूर्यायं प्रणाम्यां। बोलो ओम ह्रां राम ह्रीं ह्रीं ह्रों ओम शः शः सूर्याय नमः। सूर्याय नमः। ओम सूर्यदेवताय नमः। पूज्यामि या बहन चंद्रमा का ध्यान दरे संग तुकारापम शेरवारुणसुम सोमायं प्रणाम्यं। बोलो ओम श्राम श्राम श्री श्रीं श्रो श्रों शः शः चंद्रमसे नमः। चंद्रमसे। धरणे गर्भसंभूतं हृदकान्ते समाप्रभं कुमारासतिसंतं तं भौमायं प्रणाम्यं। बोलो ओम ओम क्रां क्रां क्रीं क्रीं क्रो क्रों सह सह भौमाय नमः। भौमाय। ॐ महाबुद्धगजं प्रियङ्गोकलिकाभासं रूपेण प्रतिबुधं सोम्यं सोमगुणतं बुद्धायं प्रणाम्यहम्। ब्रां ब्रीं प्रो सह सह बुद्धाय नमः। बुद्धाय ॐ देवताय नमः। पूज्यामि गुरुगजं देवानां च ऋषीणां च गुरु कांचन सन्निभं वंद्या भूतं त्रिलोकानां तं गुरुदेवता प्रणाम्यहम्। ॐ ग्राम ग्राम ग्रीं ग्रीं गुरु गुरु सह सह गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। शुक्र ध्यान हेम कुंडलाभम दैत्यानां ब्रह्म गुरु सर्व साधम तं शुक्राय प्रणाम्यहम्। ओम द्राम द्राम ग्रीं ग्रीं गुरु गुरु सह सह शुक्राय शुक्राय शनि नमः। नीरांजन समाभासम रवि पुत्रम यमागजम छायामार्तन संभूतम तम नमामि शनै शनै। ब्रो ओम प्राण प्राण प्रीम प्रीम प्रो ओम सह सह शनिश्चिराय नमः। शनिश्चिराय नमः। अर्धकायम राहु का अर्धकायम महावीरम चंद्रदेव विमर्दनम शेखागर विषम्भूतम तम राहु प्रणाम्यहम्। ब्रो ओम प्राण प्राण ब्री ब्री ब्रो ब्रो सह सह राहवे नमः। राहवे। ओम राहुदाय नमः। पूजामि केतु का ओम केतुम कृण केतवे पेशो मरपेशम केतवे नमः। ब्रो ओम स्त्रां स्त्रां स्त्री स्त्री स्त्रो स्त्रो शह शह केतवे नमः। केतवे। पूजामि अब नवरा जी नवरा क्या होती है पत्नियां भी उनका नाम क्या क्या है उनकी पूजा करनी है। ओम मंगलाय नमः। पूज्यामि धान्याय नमः। पूज्यामि भ्राम्रे नमः। पूज्यामि भद्रिकाय नमः। पूज्यामि उल्काय नमः। पूज्यामि सिद्धाय नमः। पूज्यामि संकटाय नमः। पूज्यामि अष्टमाय नमः। पूज्यामि क्षेत्रपाल देवताय नमः। पूज्यामि
दशीपाल देवता है नमा पूजा में, पंचरूपाल देवता है नमा पूजा में, नवा देवता है नमा पूजा में, नवराय नमा पूजा में, स्नानम समर्पयामि हे पादर पादम हस्तवर्ग मुखियासिनम जलम समर्पयामि भगवन्मा पंचनदांते ओ पंचनाद्य सरस्वती मपयन्ते सरस्वत्यामि भो नमो नमः गंगे संदेशे भागवतावे स्तुते नमदा सिंधु काव्य सिंधु समर्पयामि भो नमो नमः गंगे संदेशे भगवन्।